हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसका नाम है स्ट्रेन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेस के बारे में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस और कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन। आइए देखते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन, ओके, यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं स्ट्रेन के। स्ट्रेन के टाइप्स हैं, पहले तो आपका नॉर्मल स्ट्रेन, और दूसरा टाइप होता है शियर स्ट्रेन। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को जनरली हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इसे, और इसको गामा से, ठीक है। अब फर्दर ये डिवाइड होता है नॉर्मल स्ट्रेन आपका, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा होता है लेटरल या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और तीसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग डायलेटेशन। नॉर्मल स्ट्रेन फर्दर डिवाइड होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, लेटरल जिसको ट्रांसवर्स दोनों एक ही है, जो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन में, वो स्ट्रेन, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और डायलेटेशन। ये सारे के सारे तीनों जो है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन में डिवाइड होते हैं। टेंसाइल हो सकते हैं ये, और या फिर कंप्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। टेंसाइल मतलब पॉजिटिव आपका, और कंप्रेसिव मतलब नेगेटिव, ठीक। अब इन सबको एक एक करके देख लेते हैं और इनका एनालिसिस कर लेते हैं कि होते क्या हैं और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। किसी भी बॉडी में अगर एक्सटर्नल लोड लगता है, उस लोड के कारण उस बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाता है, तो वो जो जितना चेंज हुआ रहेगा डायमेंशन, वो उसकी वैल्यू बाय जो ओरिजिनल डायमेंशन जो विदाउट लोड थी, वो डायमेंशन को यहाँ पुट करना है, उससे जो भी वैल्यू आएगी वो नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगी, ठीक है। बट नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब ये है कि स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। देख लो यहाँ पे, ये आपका एक बार है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ मैंने क्या किया कि एक एक्सटर्नल लोड P अप्लाई किया हुआ है दोनों तरफ, जो कि टेंसाइल नेचर का है। अब इस एक्सटर्नल लोड के कारण यहाँ पे आपका एक्सिस हो गया आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, फिर यहाँ पे क्या होता है कि इस एक्सटर्नल लोड के कारण ये क्या होगा, ये टेंसाइल लोड के कारण ये इलॉन्गेट होगा, तो इस तरीके से आपका इलॉन्गेशन होता है, ठीक। इसको मान लेते हैं हम लोग यहां से लेके यहां तक L नॉट जो है आपका, बिना जब लोड नहीं लगा था तब का वो लेंथ है L नॉट, और यहां से यहां तक LF is your final length, कहां तक, यहां तक का। इसका क्रॉस सेक्शन मान लेता हूं, अगर सर्कुलर है,
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इनिशियली ये कितना था, डी नॉट था, बाद में ये हो गया डी एफ, चेंज होने के बाद ये डी एफ हो गया फाइनली। इसका जो डायमीटर है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस लोड के कारण ये बॉडी जो है इलॉन्गेट हो रही है, तो उसका चेंज इन डायमेंशन क्या हो जाएगा, मतलब ये आपका चेंज इन डायमेंशन ले लो, चेंज इन डायमेंशन में अगर चेंज इन लेंथ की बात करूँ, चेंज इन लेंथ इक्वल टू यहाँ पे फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। उसी तरीके से अगर डायमीटर की बात कर लूँ तो चेंज इन डायमीटर जो है आपका फाइनल डायमीटर माइनस ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है, फाइनल डायमीटर माइनस ओरिजिनल डायमीटर। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन में कितने प्रकार के, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड होता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड। देखो डायरेक्शन किधर, इस साइड है, तो इस साइड जो स्ट्रेन लगेगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो वो किस चीज पे डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है वो डायमेंशन जो है वो सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है। तो मतलब अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बात करूंगा तो सिर्फ चेंज इन लेंथ के बारे में बात हो जाएगी। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है हमारा, डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ हमारा एल नॉट। इसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं किस, देखो अब यहाँ पे ये मान लेता हूँ इस तरफ एक्स डायरेक्शन, इधर वाई डायरेक्शन और इस तरफ उसके परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन। तो आपका स्ट्रेन जो हो जाएगा इस तरफ ई एक्स और इधर ई वाई, इधर ई जेड, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूँगा, डायरेक्शन ऑफ लोड इज इन द एक्स डायरेक्शन, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू डेल एल बाय, मतलब डेल एल को हम लोग लिख सकते हैं इधर, चेंज इन लेंथ मतलब ये हो गया आपका एल एफ माइनस एल नॉट बाय एल नॉट। यहाँ पे लिख सकते हो आप डेल एल बाय एल नॉट इक्वल टू एल एफ माइनस एल नॉट बाय एल नॉट, ठीक है। ये आपका हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि किस नेचर का रहेगा, ये आपका टेंसाइल नेचर का रहेगा, ठीक है। मतलब ये रहेगा आपका पॉजिटिव, मतलब आपका जो चेंज इन डायमेंशन है वो पॉजिटिव की तरफ है, मतलब लेंथ जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ जब ये बढ़ रहा है तो इसका कुछ ये क्या डिक्रीज हो रहा है, इसका डायमीटर भी डिक्रीज हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। लेंथ तो बढ़ रहा है बट डायमीटर भी डिक्रीज हो रहा है। तो वो जो डिक्रीज इन डायमीटर है तो वो क्या कहलाता है हमारा, लेटरल स्ट्रेन। उसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेन आएगा वो लेटरल स्ट्रेन रहेगा। यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ये तो हो रहा है लेकिन यहाँ भी चेंज आ रहा है और यहाँ भी चेंज आ रहा है, मतलब ये जो है डायरेक्शन ऑफ लोड के जो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा स्ट्रेन वो क्या कहलाता है, लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन में क्या हो जाएगा आपका, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि तो इस जगह पे इस बॉडी के लिए क्या आ रहा है, लेटरल स्ट्रेन आपका किस लिए है, वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में आएगा, मतलब ये इसके परपेंडिकुलरली क्या है आपका, डायमीटर ही है। लेंथ के परपेंडिकुलर क्या है आपका, डायमीटर है। दैट्स वाई हियर लेटरल स्ट्रेन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द डायमीटर। सो चेंज इन लेटरल डायमेंशन, लिख लो लेटरल डायमेंशन बाय द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है।
अगर इधर इस साइड आपका क्या है, आपका मान लो लेटरल, इधर आपका लॉन्गिट्यूडनल है, इधर लॉन्गिट्यूडनल है, तो इस तरफ लेटरल हो जाएगा और इधर लेटरल, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो भी, इस लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर जो भी रहेगा वो लेटरल डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन लेटरल डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन, इसको आप हम लोग लिख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन को, देखो ई वाई या ई जेड, दोनों में से कुछ ई वाई या फिर एंड ई जेड, ठीक है। अगर थ्री डायमेंशनल बेस में बात करेंगे तो ई जेड भी आ जाएगा, नहीं है तो फिर ई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू द चेंज इन लेटरल डायमेंशन, मतलब आपका चेंज इन डायमीटर बाय द ओरिजिनल डायमीटर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये डी डी एफ माइनस डी नॉट बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव नेचर का है, ठीक है। तो निगेटिव नेचर का है मतलब ये आपका किस नेचर का है, ये कंप्रेसिव नेचर का, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो एसोसिएटेड विथ द टू लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, देखो दो लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन के साथ एसोसिएटेड है, और इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर विथ लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, मतलब ये जो है कंप्रेसिव आ रहा है, बट जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है वो टेंसाइल आता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि वो एक टेंसाइल रहेगा, ये तो दोनों अपोजिट नेचर का है, और लेटरल स्ट्रेन जो है वो आपका दो लेटरल स्ट्रेन एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ एसोसिएटेड है। तो चलो कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो जो लिख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द नॉर्मल स्ट्रेन एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेन विच एक्ट्स along the which acts along the direction of load, ठीक है। दूसरा देखो, lateral strain is the normal strain perpendicular to the direction of load, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, every longitudinal strain is associated with two lateral strain. Every longitudinal strain is associated with two lateral strain. और ये आखिरी पॉइंट ये लिख लो कि longitudinal strain and lateral strain are always opposite in nature, ठीक है। तो जो आपका longitudinal strain है और lateral strain हमेशा nature opposite रहता है, जिसका longitudinal strain अगर compressive रहेगा तो वो lateral strain आपका tensile हो जाएगा, और ये अगर tensile रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, compressive हो जाएगा। तो दोनों जो है एक दूसरे को oppose करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आप डेल बी बाय वी नॉट लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा इसका वी एफ माइनस वी नॉट बाय वी नॉट, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब ये, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर अगर हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका तीनों का एडिशन हो जाएगा स्ट्रेन का। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस सेड, ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जो स्ट्रेन है हम लोग स्ट्रेन को थ्योरेटिकली अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, इट कैन बी बाय हेल्प ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स, विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। एग्जांपल के लिए क्या है आपका यंग्स मॉडुलस, जी आपका हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और के बल्क मॉडुलस और म्यू, ये सारे लोग जो हैं इलास्टिक कांस्टेंट है। इसको पढ़ने वाले हैं बाद में, हम लोग पढ़ेंगे इसका डिटेल क्या क्या होते हैं ये और कैसे आते हैं। ये जनरली ये हैं आपके इलास्टिक कर्व से आते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के आपके जो बनते हैं वो स्लोप से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अगर मान लो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का बात करूं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो अगर हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वहां पे क्या करना है, देखो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसका अगर मान लो ये है लेंथ है और ये है ब्रेड्थ है और ये थिकनेस, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसको मान लो डेल वी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर बी एच कॉन्स्टेंट हो गया तो ये आपका डेल एल प्लस, ये हो जाएगा फिर एल एच कॉन्स्टेंट तो फिर आपका डेल बी, फिर क्या हो जाएगा एच एच के टर्म में देखेंगे तो फिर यहाँ पे जाएगा एल बी कॉन्स्टेंट तो डेल एच, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल बी बाय वी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे बी एच हटेगा तो डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल एच बाय एच। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए अगर बात करूँगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए ये हो गया। आगे देखते हैं, अगर सिलिंड्रिकल ब्लॉक रहेगा तो सिलिंड्रिकल बार रहेगा तो चलो सिलिंड्रिकल बार रहेगा तो अगर मान लो सिलिंड्रिकल बार है, ठीक है, इसका हाइट है h, यहां से रेडियस जो है इसका r, और या फिर इसका डायमीटर ले लो d, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर h,
ठीक है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी इक्वल टू पाई बाय फोर। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर एच को, तो ये हो जाएगा 2D, इसका डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई फोर डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ डेल डी, ठीक है, प्लस पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू डेल एच, ठीक है। तो डेल वी बाय वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ से गया तो क्या हो जाएगा आपका, 2 डेल डी बाय डी प्लस यहाँ पे ये गया, फिर उसके बाद डेल एच बाय एच। तो ये आपका आ गया सिलेंड्रिकल बार के लिए। सिलेंड्रिकल बार के लिए ये क्या है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी, ठीक है। और सिलेंड्रिकल बार यही चीज़ जो है आपका प्रेशर वेसल, जब पढ़ेंगे चैप्टर वहाँ पे थिन और थिक प्रेशर वेसल, तो उस जगह पे ये यूज़ होता है। तो उस जगह पे ये वाला जो लेटरल, ये क्या हो जाएगा आपका, लेटरल स्ट्रेन है। ये कौन सा कहलाता है, ये आपका हुप्स स्ट्रेन, और ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर प्रेशर वेसल के लिए मैं देखूँ, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के लिए, वहाँ पे पढ़ोगे ना ये तो काम आएगा, जब प्रेशर वेसल का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना वहाँ पे। तो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल की बात करूँ तो वहाँ पे दो स्ट्रेन, एक हुप्स स्ट्रेस लगता ही है, जो कि तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल वी बाय वी इक्वल टू 2 इंटू ये आपका ई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, या एक्सियल प्लस 2 इंटू हुप्स स्ट्रेन का, ठीक है। वहाँ पे हुप्स रहता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये वही है आपका डेल एच। एच मतलब ये लेंथ भी हो सकता है, एच बाय एच हाइट, या फिर यहाँ पे डेल एल भी ले लो, एल भी ले सकते हो, कुछ भी। फिर ये वाला आपका डायमीटर आपका होगा। ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के लिए हो गया। अब बात करता हूँ स्फेरिकल बॉडी की। स्फेरिकल बॉडी की चेक कर सकते हैं, ये सब क्या न्यूमेरिकल में यूज होते हैं फॉर्मूले स्फेरिकल बॉडी का, ठीक है। अब कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसका अगर डायमीटर कितना है, अगर मान लो डी है, या फिर रेडियस कितना है, आर है, तो इसको, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको डी के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डी के टर्म में पाई डी क्यूब बाय 6, पाई डी क्यूब बाय 6, ठीक है। क्योंकि आर जो रहेगा वो क्या होगा, आर इज द 2D, तो 2D पुट करने के बाद जो पाई डी क्यूब बाय 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम तो दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी क्यूब बाय 6, पाई डी क्यूब बाय 6, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल वी बाय इक्वल टू डेल वी बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेल वी कितना हो जाएगा, देखो 3D पाई बाय 6 3D स्क्वायर बाय डेल डी। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल वी बाय वी। तो इसको सॉल्व करने पे इतना यार पाई बाय 6 सब गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू डेल डी बाय डी, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक। वहीं पे स्फेरिकल वेसल की बात करूँगा, फॉर द स्फेरिकल प्रेशर वेसल, ठीक है, फॉर द स्फेरिकल प्रेशर वेसल। अगर स्फेरिकल प्रेशर वेसल के बारे में बात करेंगे,
तो क्या हो जाएगा स्फेरिकल प्रेशर वेसल में, वहां पे भी हुप्स आता है तो वहां पे डायरेक्टली आपका हो जाएगा डेल वी बाय वी इक्वल टू 3 × स्ट्रेन हुप्स। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल प्रेशर वेसल में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सियर स्ट्रेन। सियर स्ट्रेन, सियर स्ट्रेन पढ़ लेते हैं। सियर स्ट्रेन में पैरेलल फोर्स एक्ट करेगा, पैरेलल लोड किसके, क्रॉस सेक्शनल के अबाउट। चलो यहां पे देख लेते हैं हम लोग सियर स्ट्रेन। तो सियर स्ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। सियर स्ट्रेन जिसको हम लोग गामा बोलते हैं, ठीक है। सियर स्ट्रेन, अगर सियर स्ट्रेन इज द, पहले लिख लेते हैं क्या होता है सियर स्ट्रेन, फिर उसको अच्छे से समझ लेंगे। लिखो सियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द इनिशियल राइट एंगल, इनिशियल राइट एंगल बिटवीन द टू लाइन एलिमेंट्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, समझ लेते हैं इसको एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, देखो क्या है कि ये एक आपका बॉडी है, मेंबर है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से नीचे से फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी है जिसको हम लोग फिक्स कर दिए यहाँ नीचे से। ये हो गया मान लो आपका ए, यहाँ पे बी नाम दे देते हैं, सी और ये डी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ से इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे क्या किया कि फोर्स पी एक्ट कराया, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो बॉडी क्या करेगी, यहाँ फिक्स है तो स्लिपिंग का एक टेंडेंसी क्रिएट होगा, सियरिंग का टेंडेंसी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये सियर कर जाएगा और इस तरीके से यहाँ चला जाएगा ये बॉडी और ये इस तरीके से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं आपका B है तो ये B डैश और ये C डैश। ठीक है, और कुछ एंगल ये गया तो वो हम लोग मान लेते हैं इसको यहाँ पे फाई और ये वाला फाई। यही कितना सियर हुआ, ये इस फोर्स के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण फाई सियर हुआ, इतना झुका उस तरफ। ठीक है, ये बॉडी क्योंकि नीचे फिक्स है, फिक्स होने की वजह से ऊपर ये इस एंगल पे ये इंक्लाइंड हो गया, ये सियर हुआ। ठीक है, स्लाइड हुआ तो यहाँ से ये हो गया हमारा ये, इसको मान लेते हैं हम लोग जो यहाँ पे जो चेंज हुआ वो डेल एल ले लेते हैं। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग चेंज हुआ है तो ये आपका ए बी जो है उसको मान लेते हैं, अब इसको रहने दो। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सियर स्ट्रेन में आपका फाई जो है वही आपका सियर स्ट्रेन है, क्योंकि यही चेंज हो रहा है, चेंज इन द इनिशियल राइट एंगल बिटवीन द टू लाइन एलिमेंट्स। टू लाइन एलिमेंट्स एक वाई एक्सिस में है और एक एक्सिस में है। ठीक है, इधर आपका एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, ये लाइन एलिमेंट, ये लाइन एलिमेंट। इनिशियली ये राइट एंगल पे था, इनिशियली ये राइट एंगल पे था। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, ये चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, वो फाई चेंज हुआ, तो वही हमारा एक सियर स्ट्रेन है। ठीक है, वही हमारा क्या है, सियर स्ट्रेन है। तो सियर एंगल, इसको सियर एंगल भी बोल सकते हैं, सियर एंगल है ये एक्चुअली में, सियर एंगल, और यही हमारा सियर स्ट्रेन भी है। मतलब ये सियर एंगल फाई इक्वल टू, मतलब गामा इक्वल टू फाई, ये हमारा सियर स्ट्रेन। ठीक है, तो दोनों सेम होगा यहाँ पे। तो अगर ट्रायंगल, अगर मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का एल, ठीक है, और इधर ले लेता हूँ इसका विड्थ बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अब इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं ए बी बी डैश, ए बी बी डैश
tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा bb डैश बाय ab, bb डैश बाय ab, तो bb डैश क्या है डेल l बाय l, ये हो जाएगा डेल l बाय l, जो कि tan phi फॉर द स्मॉल एंगल्स पर लिख लेते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स tan phi इज इक्वल टू phi, मतलब फॉर स्मॉलर एंगल्स tan phi इक्वल टू phi, तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका bb डैश बाय ab इक्वल टू डेल l बाय l, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली जो है वो यही आपका शियर स्ट्रेन है, और ये आपका phi की वैल्यू निकाल लोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि शियर स्ट्रेन कितनी आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं कि शियर स्ट्रेन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय, शियर स्ट्रेन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग बताया तो था कि आपका स्ट्रेन जो है थ्योरेटिकली डिटरमाइंड नहीं कर सकते, शियर स्ट्रेन ओनली बी डिटरमाइंड बाय डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब मान लो थ्योरेटिकली आपको डिटरमाइंड करना रहेगा, थ्योरेटिकली तो कैसे डिटरमाइंड करोगे, थ्योरेटिकली डिटरमाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो पहला स्टेप यही है कि आपका टाउ एवरेज मतलब शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, जो कि पी बाय ए रहेगा। इससे निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसको कहाँ पुट करोगे, आपका हुक्स लॉ में यूज़ करते हैं, वो पढ़ेंगे अभी, इलास्टिक कांस्टेंट हो मैम को पढ़ना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गामा इंटू जी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा टाउ, तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं आप स्ट्रेंथ को टाउ बाय जी, यहाँ से आप ये फाइंड कर लोगे, फिर उसके बाद ये इक्वल टू द फाई रहेगा, इसको फाइंड करते ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं थ्योरेटिकली, बट इसको एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है, और थ्योरेटिकली डिटरमाइन करने का तरीका यही है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, हम लोग कुछ हल्का सा एनालिसिस कर लेते हैं, आप थोड़ा बात कर लेते हैं, ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, ये है आपका बार, इसमें इसका ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसमें क्या हुआ कि एक फोर्स पी जो है एक्ट किया है, जो टेंसाइल नेचर का है, ठीक है, इसमें इसके कारण क्या हुआ, ये इलोंगेशन हुआ, के कारण इलोंगेशन हुआ, और यहाँ पे जो है इसका ओरिजिनल लेंथ है, दिस इज फाइनल लेंथ, जो किसके बराबर है, अगर चेंज इन लेंथ डेल एल है तो डेल एल प्लस एल नॉट के बराबर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ही चुके हैं, उसके बाद ये हो गया, तो बात करते हैं स्ट्रेस की। अगर स्ट्रेस की बात करूं, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपका क्या हो जाता है पी बाय, अब देखो यहाँ पे ना दो एरिया, एक तो ए नॉट ले लूँ, ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में एरिया रहेगा वो मान के चलो पाई बाय फोर डी नॉट स्क्वायर, अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका डी नॉट है, और यहाँ से यहाँ आपका डी एफ, ठीक है, तो पाई बाय फोर डी नॉट, और दूसरा एरिया क्या है आपका फाइनल वाला पाई बाय फोर डी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया दो एरिया है। अगर स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय
एरिया, अगर ये स्ट्रेस ए नॉट के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ओरिजिनली जब लोड नहीं लगा है तब के केस में ये जो एरिया ले रहे हैं उस एरिया को लेंगे तो जो स्ट्रेस आएगा वो क्या कहलाएगा, दिस इज योर इंजरिंग स्ट्रेस, दिस इज योर इंजरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब लोड लगने के बाद इंस्टेंटेनियसली उसमें जो चेंज आया उसके बाद जो भी उसका एरिया होगा उसके रिस्पेक्ट में, ये लोड तो सेम है, कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपका जो भी आएगा स्ट्रेस वो क्या कहलाएगा, ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, यही अंतर है। तो यहाँ स्ट्रेस की बात करूँ तो पी बाय, अगर एफ की बात करूँगा लोड लगने के बाद जो एक्ट हुआ वो जो एरिया बना जो कि कितना है, ए एफ इक्वल टू पाई बाई फोर डी एफ स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ट्रू स्ट्रेस। बट होता क्या है, ये तो सिर्फ एक इंस्टेंटेनियसली की बात है कि इतने थोड़े से समय में इतना हुआ, बट इसके बीच में थोड़े 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 लेंथ बढ़ते जाते हैं, कभी थोड़ा हुआ फिर उसका देखना है अपने को ट्रू स्ट्रेस, फिर थोड़ा हुआ फिर उसका देखना है, इस तरीके से बहुत सारे ट्रू स्ट्रेस डेवलप होते हैं। बट जो इंजरिंग स्ट्रेस है वो सिर्फ एक रहता है, जो किसके रिस्पेक्ट में रहता है, आपका ओरिजिनल एरिया के रिस्पेक्ट में रहता है, ठीक है। अब स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, मान के चलो चेंज इन लेंथ बाय आपका चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक स्ट्रेन आ गया आपका डेल एल बाय, अगर एल नॉट का बात करूँ, ठीक है, और एक स्ट्रेन है आपका डेल एल बाय अगर एल एफ की बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ अंतर ये है कि एल एफ मतलब आपका ये वाला हो गया, और तो ये जो सिर्फ ओरिजिनल की बात होगी तो यहाँ पे इसकी बात है तो वो इंजरिंग स्ट्रेन है, और जो इसकी बात होगी फाइनल वाली जो चेंज हो जाएगी, चेंज होने के बाद इंस्टेंटेनियसली जो लेंथ ले रहे हैं हम लोग, फाइनल जो लेंथ ले रहे हैं वो अगर लेते हैं तो वो क्या हमारा, ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन हो गया ये। अब इसमें क्या होता है कि फाइनल स्ट्रेन तो देखो यही है कि आपका फाइनल लेंथ डेल एल प्लस एल नॉट, तो जब हम फाइनल वाला चीज़ लेंगे तो वो आपका ये हो जाएगा, और इनिशियल वाला लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि अब दोनों में क्या ये है कि इंजरिंग स्ट्रेन और आपका इंजरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में और ट्रू स्ट्रेन में, ट्रू स्ट्रेन क्या है एक्चुअली, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन, उसको एक्चुअल स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मान लो ये शुरू में जो लोड था, मान लो ये आपका पी एक्ट कर रहा था, ठीक है, तो इस पहले तो इसका मान के चलो डायमीटर जो है इसका डी नॉट है, और इसका ये जो लेंथ है एल नॉट है, ठीक है। अब इसके बाद एक्ट किया, फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, बॉडी इस तरीके से थोड़ा पतला होगा और थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं डी वन, और ये जो है आपका लेंथ एल वन इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से चेंज हुआ पी, पी तो लोड लग ही रहा है इस पर, है ना, पी लोड पी। अब उसके बाद फिर ये थोड़ा पतला हो गया और लंबा हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी टू ले लो, और ये वाला जो है लोड पी ही रहेगा यहाँ पे पी, और ये हो जाएगा आपका लेंथ L2। और इसके आगे देखेंगे तो ये लास्ट वाला जो आपका फाइनल रहेगा एकदम पतला, और ये इतना लंबा हो गया, तो ये जो चेंज है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये फाइनली इतना चेंज आके रुक गया। और ये अगर P है यहाँ पे, और ये मान के चलते हैं ये फाइनल लेंथ, और ये आपका D फाइनल, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि इंस्टेंट, इस स्टेंट से इस स्टेंट में आया, तो इस स्टेंट से इस स्टेंट आने में इसको जो स्ट्रेन है वो कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ का पहला तो स्ट्रेन आपका लेंथ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो L1 माइनस L0 बाय आपका L0 हो गया, फिर इस जगह का स्ट्रेन कितना हो गया L2 माइनस L1 बाय आपका L1 हो गया, और इस जगह का स्ट्रेन क्या हो गया LF माइनस L2 बाय L2, ठीक है। तो ये हर इंस्टेंट का अलग अलग स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे इंजरिंग स्ट्रेन है, ये सारे क्या है इंजरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। जब ट्रू स्ट्रेन की बात करूं, तो ट्रू स्ट्रेन की अगर बात करते हैं
तो ट्रू स्ट्रेन में क्या होगा, सम ऑफ द इंजरिंग स्ट्रेन एट इंस्टेंट टू इंस्टेंट, एट इंस्टेंट टू इंस्टेंट, मतलब ये सारा अगर ऐड हो जाता है तो ये ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका। चलो इसको यहाँ से डाल लेते हैं, तो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू L1 माइनस L0 बाय L0 प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा L2 माइनस L1 बाय L1 प्लस LF माइनस L2 बाय L2, ठीक है, प्लस इस तरीके से अलग अलग इंस्टेंट पे जाता जाएगा, या फिर यहाँ पे ये फाइनल वाला है तो इसको इसके इंस्टेंट में ये हो जाएगा आपका LF माइनस, इसको तो इतना ही ले रहे हैं तो अपन L2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंट टू इंस्टेंट पे ट्रू स्ट्रेन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रू स्ट्रेन को फाइंड कर लेते हैं। और कुछ इन दोनों के बीच में ये है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है ये, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका टेंसाइल है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका कंप्रेसिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो टेंसाइल है, अगर ट्रू स्ट्रेन इज ग्रेटर देन इंजरिंग स्ट्रेन रहेगा, अगर ट्रू स्ट्रेन इज ग्रेटर देन इंजरिंग स्ट्रेन रहेगा तो आपका टेंसाइल लोड होगा, ये याद रखना, तो टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है। अगर इंजरिंग स्ट्रेन इज लेस देन, अगर इंजरिंग स्ट्रेन इज ग्रेटर देन ट्रू स्ट्रेन रहेगा तो आपका कंप्रेसिव लोड, ठीक है, कंप्रेसिव लोड, ट्रू स्ट्रेन इज यहाँ पे लेस देन इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक। तो इनका जो है रिलेशन बता देता हूँ ट्रू स्ट्रेस का और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का। तो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लस वन बाय इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है और इससे कई सवाल बन जाते हैं, क्योंकि ये रिलेशन है किसका किसके बीच, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू इंजरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस और इंजरिंग स्ट्रेन के बीच का, ठीक है। अब अगर स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन की बात करूंगा तो ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू नेचुरल लॉग वन प्लस इंजरिंग स्ट्रेन, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, इसको लिख लेना है आपको और ध्यान देना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लिख लूँ, वेन लेंथ बिकम्स डबल, वेन लेंथ बिकम्स डबल, अगर वैन एक कंडीशन बता दे रहा हूँ, वैन लेंथ ऑफ ए बार बिकम्स डबल, ठीक है। तो एल एफ तो डायरेक्टली डबल है तो मतलब टू एल नॉट हो जाएगा, ठीक है, टू एल नॉट हो जाएगा, तो आपका स्ट्रेन जो है स्ट्रेन वो कितना हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू टू एल नॉट माइनस, देखो एल एफ माइनस फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, तो क्या हो जाएगा ये एल एफ इजक्वल टू टू एल नॉट माइनस एल नॉट बाय एल नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना है इसकी वैल्यू, कितनी आएगी वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसको सॉल्व करने पे वन, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अगर मैं ट्रू स्ट्रेन का फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, एल एन वन प्लस इंजरिंग स्ट्रेन, तो इक्वल टू एल एन वन प्लस वन इक्वल टू एल एन टू, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.693, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेन यहाँ पे कितना हो रहा है, कम है इंजरिंग स्ट्रेन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ट्रू स्ट्रेन और उसका दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक है। और इलास्टिक रीजन में ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस लगभग बराबर होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जनरली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ इलास्टिक रीजन तक का ही बात करते हैं, उससे ऊपर जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने को ज़रूरत भी नहीं है और फेल भी हो जाएगी बॉडी की। अपने को चाहिए कि इलास्टिसिटी चाहिए कि हाँ, अगर कोई डिफॉर्म, हम चाहते हैं कि कोई भी बॉडी डिफॉर्म ना करे, वो अगर डिफॉर्म करे भी तो अपने इनिशियल पोजिशन पर आ जाए। तो हर किसी की चाहत यही है, अगर कोई ब्रिज है उसके ऊपर अगर बहुत सारा लोड लग रहा है, जैसे बहुत सारी ट्रैफिक जा रही है, ठीक है,
तो ब्रिज क्या है, अगर थोड़ी सी भी डिफॉर्म होती है लोड के कारण, तो जैसी लोड हटे तो वो क्या हो जाए, अपने इनिशियल पोजीशन पर। ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि नीचे चली जाए, डिफॉर्म होते जाए। तो अपन को प्लास्टिक से उतना मतलब नहीं है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है इलास्टिक बेस पे बात करेंगे। इसीलिए ट्रू स्ट्रेंथ जब कर्व बनाते हैं इलास्टिक कर्व का, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग उतना फोकस नहीं रखते हैं जितना कि अपने को इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का फोकस रखना है। ठीक है, कर्व के बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।